स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल मार्केट साइंटिस्ट में। और आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं सूर्यक्स स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक को डिस्कस करने से पहले इसके क्वार्टरली रिजल्ट आज के ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिखा था, तो उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि कंसोलिडेट क्वार्टरली नंबर्स इसके आते हुए दिखे हैं, जहाँ नेट सेल्स में तो अराउंड 3.3% तक का इंक्रीजमेंट होते हुए दिखा है, लेकिन उसके साथ ही देखे तो 58% तक के डाउन ट्रेंड जो है इसके प्रॉफिट होते हुए दिखे हैं। जहां हमने देखा था कि लास्ट ईयर इस स्टॉक में अराउंड जो प्रॉफिट था 13 करोड़ के आसपास का था, और ये घट करके देखेंगे कि इस ईयर का जो प्रॉफिट रहा है क्वार्टरली प्रॉफिट वो अराउंड 5.54 करोड़ के आसपास का रहा है। इसके साथ ही इसके ईबीटा में देखेंगे वो भी 85% का डाउन ट्रेंड दिखा है। और इसके साथ ही इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आप देखेंगे कि इसके जो ईपीएस है अर्निंग पर शेयर वो भी डिक्रीज होते हुए दिखा है। तो ओवरऑल रिजल्ट आप आसानी से समझ पा रहे होंगे कि रिजल्ट बिलो द एक्सपेक्टेशन रहा है और इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी स्टॉक पे आते हुए दिखा है। मैं हमेशा से, क्योंकि डाउ थ्योरी मेरा बहुत पसंदीदा थ्योरी है कि जब भी मार्केट में कुछ इवेंट होना होता है वो ऑलरेडी मार्केट रिएक्ट कर चुकी होती है। और यहाँ देखेंगे कि आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा अराउंड 7% तक का डाउन ट्रेंड सूर्यक्स के स्टॉक में देखा है। इससे पहले आपने भी वो न्यूज सुना ही होगा जब इस स्टॉक में, यहाँ देखेंगे तो 62% तक के रिटर्न इस स्टॉक ने पिछले लगभग 1 मंथ में दिए हैं। 1 वीक का रिटर्न अराउंड 51% तक का रहा, जबकि आज ट्रेडिंग सेशन में जो डाउन ट्रेंड यहाँ देखेंगे जो डाउन ट्रेंड रहा है वो 7% का रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण रहा कि बैड रिजल्ट का इम्पैक्ट रहा। जितने भी लोग 62% के प्रॉफिट पे ऑलरेडी सिटिंग हैं और इस बैड न्यूज के बाद श्योरली वो अपने प्रॉफिट बुक करते हुए दिखेंगे, और इसके बाद स्टॉक में डाउन ट्रेंड, शार्प डाउन ट्रेंड दिख सकता है। यहाँ इस स्टॉक के अगर डिलीवरी को आप देखेंगे तो डिलीवरी भी पाएंगे कि कंटिन्यूस जो है इस स्टॉक में डिलीवरी जहाँ 30-50% तक की दिख रही थी, वहीं इस स्टॉक में 60 के अबव भी डिलीवरी देखने को मिला है। कल के एपिसोड में भी हमने कहा था कि जो ऑलरेडी मिस कर चुके हैं इस समय इसको कैच करने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि आसानी से आप समझ पाएंगे जिस प्रकार से यहाँ एक अप ट्रेंड दिखा और उसके बाद वन साइडेड अप ट्रेंड था, तो यहाँ से अगेन एक बार रिटेस्ट करते हुए दिख सकता है। तो मेरा पर्सनली मानना है, यहाँ देखेंगे इतना बड़ा कैंडल रहा है यानी कि हेवली सेलिंग दिखी है, और जो भी बायर इस प्राइस के आसपास के रहे होंगे क्योंकि रिजल्ट खराब रहा है वो यहाँ इस समय देखेंगे तो इस प्राइस पे आपको प्रॉफिट बुक करते हुए दिखेंगे, और यहाँ से एक डाउन ट्रेंड आपको 32-33 तक के लेवल्स का दिख सकता है। तो जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म है वो चाहे तो रुक सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में बाय ऑन डिप्स करने की गलती नहीं करेंगे। जो बाय ऑन डिप्स करते हैं या फिर एवरेज आउट करने की गलती नहीं करेंगे। ये जो लेवल है 32-30 के आसपास का, इस लेवल के लिए वेट करेंगे, बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ बन सकती है। और इसके लिए जो स्टॉप लॉस है ये हम स्टॉप लॉस 28 के नीचे के स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे, और बाइंग 30 ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। और टारगेट जो है, जो शॉर्ट टर्म टारगेट है 50+ तक का टारगेट विद इन 3 मंथ टू 6 मंथ के ड्यूरेशन में दिख सकता है। इस समय बाय ऑन डिप्स करने से बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि जो बैड रिजल्ट रहा तो ये डाउन ट्रेंड थोड़ा बहुत कंसोलिडेट होकर के आपको इस लेवल तक का दिख सकता है। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक को जरूर शेयर करें। थैंक यू।